बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फेरो किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का राइस, जो बहुत ही मजे की बनती है और बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैंगे। चलिए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। ये हमने बॉयलेस चिकन 500 ग्राम लिए है। इसके छोटे छोटे पीस करके अच्छे से धो के इसमें हम 2 चम्मच तंदूरी मसाला डालेंगे, 4 चम्मच दही के डालेंगे, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 रेड कलर का फूड कलर डाल देंगे थोड़ा सा। अब मैरिनेट करके इसे हम आधी 30 मिनट तक रखेंगे हम। अब ये सभी मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे चिकन में। ये 30 मिनट तक हम मैरिनेट करके इसे रखना है चिकन को। चिकन में मसाले इस तरीके से लगा के अब 30 मिनट तक हम इसे ढक के रख देंगे। चिकन को हमने मसाला लगा हुआ है, 30 मिनट हो गई। अब इसे हम फ्राई करेंगे। ये कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। इस तरीके से हमें डालना है चिकन की बोटियों को, स्लो आंच पे फ्राई करना है। हमने चिकन को अच्छे से अलट पलट के अच्छे से लाल कर लिए। ये चिकन रेडी हो गया हमारा। अभी इसमें हम कोलसे का धुआं लगाएंगे। ये कोलसे हमने लाल कर लिए पहले से आग पे। ये हमने 700 ग्राम चावल लिए हैंगे राइस के लिए। राइस के चावल है ये, और इसी में हम 2-3 पानी से अच्छे से धो के इसको हम 10 से 15 मिनट तक भिगा के रखेंगे पानी में। राइस भी गया हमें 30 मिनट हो गए। ये आधी तपेली पानी ली है राइस उबालने के लिए। अब इसी में हम 1/2 चम्मच फूड कलर डालेंगे, और इसी में हम 2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे ताकि हमारे चावल खिले खिले हुए। अब इसी में हम नमक डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल दिए। अब ये पानी पकेगा तो हम राइस को इसी में उबालना है हमें। ये हमारा पानी अच्छे से उबल गया है, अब इसी में हम राइस को उबालेंगे। ये उबाल आने तक हमें राइस को अच्छे से पकाना है। ये हमारे चावल 80% तक गल चुके हैं। ये हमने कढ़ाई गरम करके 1 बड़ी प्याली तेल का गरम कर लिए है। अब इसमें हम अदरक लहसुन चॉप करे हुए डालेंगे। हल्का ब्राउन होने तक अब हमें प्याज डालना है। ये हमने प्याज भी अच्छे से चॉप करके अब ब्राउन होने तक हमें प्याज को चलाना है। इसी में हम गोभी डाल देंगे, और यहाँ शिमला मिर्ची भी कट करी हुई रखी थी, ये भी डाल देंगे हम। ब्लैक पेपर डालने का इसमें 1 चम्मच ब्लैक पेपर डाल दिए। अब चिकन डालेंगे इसी में हम। आधा चम्मच लाल मिर्ची कुटी हुई, इसी में हम सब सॉस भी डालेंगे। 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसी में हम राइस डाल देंगे। ये हमने अच्छे से चला के अब इसे हम 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। देखो 10 मिनट के दम रख के ये हमारी चिकन टिक्का राइस तैयार है। चलो अब इसे सर्व करते हैं।
ये देखिए हमारी चिकन टिक्का राइस तैयार है। ऐसी मजेदार रेसिपी के लिए सेरो किचन को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज।